हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। सो आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 3.5। सो प्रैक्टिस सेट 3.5 स्टार्ट करने से पहले आपको प्रैक्टिस सेट 3.5 में हमने कुछ थ्योरम किया था प्रीवियस वीडियो में, वो देखना पड़ेगा। अगर वो थ्योरम आपको आता है तो ही आप प्रैक्टिस सेट 3.5 कर सकते हैं, वरना आपको प्रैक्टिस सेट 3.5 करने में प्रॉब्लम होगी। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। सो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, बुक में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। In figure 3.77, ray PQ touch the circle at point Q. So ray PQ जो है वो circle को touch कर रही है Q पे। It means PQ क्या है, हमारा tangent है। Then PQ आपको दिया हुआ है 12 and PR आपको दिया हुआ है 8. Okay? So इस तरह से PQ and PR आपको कितना दिया हुआ है 8. Then अभी आपको क्या करना है, अभी आपने previous video में एक theorem पढ़ा था, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। सो यहाँ पर ये सीकेंट है हमारा, देखिए एस आर पे ये लाइन कट कर रही है, एस आर पी। ओके, सो ये सीकेंट है, ये टेंजेंट है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। सो टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर इंटू पी एस स्क्वायर, सॉरी पी आर इंटू पी एस। ओके, इस तरह से मीन्स पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर इंटू पी एस। ठीक है, सो ये हमारा मिल जाएगा हमें कैसे, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम से। ठीक है, तो इसे याद रखना है। देन अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो गिवन दिया है वो लिखते हैं। ठीक है, सो हमें गिवन क्या दिया है, यहाँ पे लिखिए सोल्यूशन। देन हमें गिवन जो दिया है वो लिख लेते हैं, क्या दिया है, रे पी क्यू टच द सर्कल एट पॉइंट क्यू। रे पी क्यू touch the circle at point P. Okay? Then आपको क्या दिया हुआ है, पी आर एस इज अ secant एंड कट द सर्कल एट पॉइंट एस एंड आर और इंटरसेक्ट द सर्कल। ओके, सो आप लिख सकते हैं पी आर एस इज अ secant which intersect the circle at point S and R। ओके, अब आप क्या कीजिए, डायरेक्टली थ्योरम अप्लाई कीजिए, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर इंटू पी एस। ओके, यहां पर रीजन लिखेंगे, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थियर। ठीक है, ना अब वैल्यू पुट कर दीजिए, पी क्यू का वैल्यू आपको दिया है 12, सो 12 स्क्वायर इंटू पी आर आपको दिया हुआ है 8 एंड पी एस आपको नहीं पता है। ओके, सो यहाँ पर 144 इज इक्वल टू 8 इंटू पी एस। नाउ इसे डिवाइड करेंगे, सो 144 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू पी एस, देन 1 जा एंड 8 जा, so value of PS is 18, okay? So यहाँ से अभी आपको क्या मिल गया, 18 मिल गया। Then आपको क्या करना है, ये देखिए PRS आपको collinear दिख रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं PS is equal to PR plus RS। ठीक है, so PS is equal to PR plus RS। यहाँ पर reason क्या देंगे, collinear, PRS is collinear। Now वैल्यू पुट कर दीजिए, सो पी एस का वैल्यू हमें मिला है कितना है 18, पी आर का वैल्यू 8 है एंड आर एस का वैल्यू फाइंड करना है। सो ये इस साइड आएगा, सो 18 माइनस 8 ना 10 इज इक्वल टू आर एस, सो द वैल्यू ऑफ आर एस इज 10। सो आपको क्या क्या फाइंड करना था, देखिए आर एस फाइंड करना था एंड पी एस फाइंड करना था, तो फाइनल आंसर लिख दीजिए, PS is equal to 18 and RS is equal to 10। So बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। So क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, रीड कर लेते हैं। इन फिगर 3.78, तो ये आपको फिगर दिया हुआ है, कॉर्ड MN एंड कॉर्ड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट D। So MN और RS एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कहां पे, D पे। ओके, फिर आपको वैल्यू दिया है, इफ RD इज 15, अगर आपको RD 15 दिया हुआ है, ठीक है, देन DS 4 दिया हुआ है, देन आपको MD 8 दिया हुआ है,
एम डी एड दिया हुआ, ये फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ, ओके। एंड डी एन आपको फाइंड करना है। सो देखिए कैसे आप डी एन फाइंड करेंगे। सो हमने एक थियरम को पढ़ा था, कौन सा थियरम? इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड वाला थियरम, ओके। उसमें क्या होता था कि एम डी इंटू डी एन किसके इक्वल होता था? आर डी इंटू डी एस के इक्वल होता था, ठीक है। सो वही यहाँ पर अप्लाई होगा। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? कॉर्ड एम एस एंड आर एस इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट डी इन साइड द सर्कल, ठीक है, ये लिखना है। तो लिखिए यहाँ पे कॉर्ड एम एन एंड कॉर्ड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट डी इन साइड द सर्कल, ओके। नाउ अब यहां पर इन साइड द सर्कल में लोग इंटरसेक्ट कर रहे, तो हमारा थियरम कौन सा लगेगा? थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, ओके। सो यहां पर लिखिए बाय द थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, बाय द थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, ओके। तो इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड का थ्योरम क्या बोलता है? MD into DN इज इक्वल टू RD into DS, ओके। सो अब आप अगर MD को देखते हैं तो MD आपको कितना दिया हुआ है? 8, सो पुट कर दीजिए। एंड DN आपको कितना दिया हुआ है? पता नहीं है, सो DN एज इट इज रखिए। RD आपको दिया हुआ है 15 एंड DS आपको दिया हुआ है 4, ओके। सो अब ये 8 को नीचे लाइए, सो डी एन इज इक्वल टू 15 इंटू 4 अपॉन 8, ओके। सो डी एन इज इक्वल टू 4 × 8, नाउ इसको कैंसिल करेंगे, सो 7.5। सो आपका डी एन कितना आ गया? 7.5। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना था। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो देखिए अभी हमें dn का वैल्यू मिल गया, तो आप यहाँ पे dn का वैल्यू एज इट इज रहने दीजिए। अभी सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। सो हम इसे रफ कर देते हैं, अब सेकंड में जो दिया है वो लिखते हैं, ठीक है, इसका काम हमारा हो गया। सो अभी सेकंड क्वेश्चन रीड कीजिए, क्या दिया है? आर एस इज 18, आपको पूरा आर एस दे दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दे दिया? 18, ओके। नाउ आपको एम डी दिया हुआ है 9, अब यहाँ पर आपको एम डी 9 दिया हुआ है, ठीक है। एंड डी एस आपको फाइंड करना है, डी एस मीन्स ये फाइंड करना है, ठीक है। सो अब ये डी एस कैसे फाइंड होगा? सो डी एस अगर फाइंड करना है आपको, तो आपको आर डी पता होना चाहिए, या आर डी पता होगा और पूरा पता होगा तो भी डी एस फाइंड कर सकते हो, या फिर और कोई ऑप्शन नहीं है। सो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आर डी फाइंड करेंगे। तो आर डी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आर डी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? RD को X सपोज कर लेंगे, ठीक है। सो RD को हम सपोज कर लेते हैं X, ठीक है। सो यहां पर लिखिए लेट RD इज इक्वल टू X, ठीक है। अब RD X हो गया, तो ये कोलिनियर दिख रहा है, RS कोलिनियर है, RDS मींस कोलिनियर है, तो हम लिख सकते हैं RS इज इक्वल टू RD प्लस DS, और यहां पर रीजन क्या आएगा? RDS इज कोलिनियर, RDS इज कोलिनियर। तो अब इसमें RS का वैल्यू हमारे पास पूरा है 18, ओके, और RD को हमने सपोज किया X प्लस DS, DS यहाँ से हमें मिल गया, सो DS कितना मिला हमें? DS मिल गया 18 माइनस X, ओके, इसको एज इट इज रखो। अब वापस हमें DS भी मिल गया 18 माइनस X, अब हमारे पास RD आ गया, DX आ गया और MD आ गया, ठीक है। तो हम DN फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यही सेम थ्योरम लगाएंगे, ये पूरा स्टेटमेंट यहां पर हमें लिखना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं कॉर्ड MN एंड कॉर्ड RS एंड कॉर्ड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट D inside the circle, okay।
अभी यहाँ पर भी यही थियरम अप्लाई होगा बाय द थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, बाय द थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। ओके, सो अभी आप क्या कीजिए, एम डी इंटू डी एल आर डी इंटू डी एस लिख सकते हैं जैसे यहां पर हमने लिखा था, तो लिखिए एम डी इंटू डी एम इज इक्वल टू आर डी इंटू डी एस। ठीक है, सो अभी एम डी वैल्यू पुट कर दीजिए, अभी एम डी का वैल्यू क्या दिया आपको 9, एंड आपके बुक में क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे तो डी एन का वैल्यू 8 दिया हुआ है ऑलरेडी। ओके, एंड आर डी का वैल्यू आपके पास x है, एंड डी एस का वैल्यू आपके पास 18 माइनस x है। ओके, सो 9 8 72, 18 into x 18x माइनस x स्क्वायर। ओके, अब इसको उस साइड लेके जाइए, सो 18x माइनस x स्क्वायर, ये सबको इस साइड लेके आइए क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए ना, सो ये सबको इस साइड लेके आइए, सो ये इस साइड आएगा, तो x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर निकालिए, सो x स्क्वायर और 72, सो 12 6 72 12 प्लस 6 18। ओके, ये फैक्टराइजेशन आपने अलजेब्रा में सीखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने ये फैक्टराइजेशन मेथड सीखा होगा, देन 8th स्टैंडर्ड में भी आपने ये सीखा होगा, तो वही यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सो 12x माइनस 6x प्लस 72 इक्वल टू 0, हमें ऐसा फैक्टराइजेशन निकालना है कि मल्टीप्लाई करने पे 72 है, प्लस या माइनस करने पे माइनस 18 है। सो यहाँ पर 12 6 72 होगा, 12 प्लस 6 माइनस 18 होगा। ठीक है, सो नाउ अभी यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है x, सो बचेगा क्या x माइनस 12, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 6, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 12 देन इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ अभी x माइनस 6 एंड x माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ अभी ये 0 एक बार इसके साथ रखिए, x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। ओके, देन सर यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से रफ करके इस साइड लिख देता हूँ। ठीक है, सो अभी x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 12। ठीक है, सो अभी x का वैल्यू हमें क्या मिला, या तो 6 या तो 12, लेकिन आपको क्या फाइंड करना है, आप अपने बुक में देखिए तो आपको ds फाइंड करना है। ओके, सो ds कहाँ पे, ds ये फाइंड करना है, तो अभी ये फाइंड करने के लिए आपको दो दो वैल्यू मिलेंगे ds के। ठीक है, सो ds इज इक्वल टू 18 माइनस x, तो पहले 6 रख के देखिए, 18 माइनस 6 करेंगे तो 12 मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा ds के वैल्यू निकालिए, सो 18 माइनस एक्स, तो क्या मिलेगा आपको 18 माइनस 12, सो क्या मिलेगा 6, तो आपका ds का वैल्यू या तो 12 होगा या तो 6 होगा। तो आपको इस तरह से ds का क्या मिलेगा, दो वैल्यू मिलेगा, तो ds का दो वैल्यू और dn का एक वैल्यू। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड का यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, देन यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन इसके आगे वाला जो है यहाँ पर, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है हमें, रीड कर लेते हैं। इन फिगर 3.79 ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, सो ओ जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल है, देन आपको क्या बोल रहा है, एंड बी इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, बी इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मीन्स आपका बी ए क्या है, टेंजेंट है। ओके, देन आपको क्या बोल रहा है, ओ इज परपेंडिकुलर टू ओ डी, ओ इज परपेंडिकुलर टू ओ डी, सॉरी OD नहीं है यहाँ पर, AD इस पे। ठीक है, OE परपेंडिकुलर है AD के ऊपर, देन आपको कुछ वैल्यू दिया हुआ है, जैसे AB का वैल्यू दिया आपको 12। ओके, देन आपको AC का वैल्यू दिया हुआ है 8, देन आपको फाइंड क्या क्या करना है, फर्स्ट आपको फाइंड करना है AD, देन आपको फाइंड करना है BC, देन आपको फाइंड करना है थर्ड वाला DE। ओके, सो देखिए अब ये कैसे फाइंड होगा, सबसे पहले AD फाइंड करना है, सो देखिए AD कैसे फाइंड होगा, A और D, सो यहाँ पर ये आपका टेंजेंट है, ये आपका सीकेंट है, तो यहाँ पर कौन सा थ्योरम लगेगा, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। सो सॉल्यूशन लिखिए यहाँ पर, और यहाँ पर आप लिखिए AB इज अ टेंजेंट, AB इज अ टेंजेंट,
एंड ए डी ए सी डी ए सी डी इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट डी एंड सी. ओके, सो ये सीकेंट हो गया. तो अब यहां पर आप लगाइए टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम. तो टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम में क्या होता है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी. ओके, सो यहां पर लिखिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी. रीजन लिखिए टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम. नाउ वैल्यू पुट कर दीजिए. सो ए बी का वैल्यू आपको 12 दिया हुआ है, देन ए सी का वैल्यू आपको 8 दिया हुआ है. सो यहां से हमें ए डी का वैल्यू मिल जाएगा 144 इज इक्वल टू 8 इंटू ए डी. सो डिवाइड कीजिए 144 डिवाइड बाय 8. सो कैंसिल करेंगे तो 18 आएगा. सो ए डी का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 18. सो यही सेम क्वेश्चन हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी किया था जिसमें हमें ए डी का वैल्यू 18 मिला था. ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, डी सी. डी सी फाइंड करना है. ठीक है, सो आप देखेंगे अगर ए सी डी जो है वो कोलिनियर है तो हम लोग बोल सकते हैं ए डी इज इक्वल टू ए सी प्लस डी सी. ओके, सो यहां पर सॉल्व करते हैं. ए डी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी डी. ए सी प्लस सी डी, रीजन क्या देंगे, ए सी डी कोलिनियर. ए सी डी आर कोलिनियर. नाउ वैल्यू पुट कर दीजिए. AC का वैल्यू हमारे पास है 8, देन AD का वैल्यू हमारे पास 18 प्लस CD. ओके, CD हमें DC फाइंड करना है. ओके, सो अभी हमें क्या मिलेगा, 18 माइनस 8 इज इक्वल टू CD. सो 10 इज इक्वल टू CD. तो हम लिख सकते हैं DC इज इक्वल टू 10. सो इस तरह से हमें सेकंड वाला भी मिल गया. नाउ थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला हमें क्या फाइंड करना है, D. तो हमने नाइन्थ में एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर सर्कल के सेंटर से कोई परपेंडिकुलर कॉर्ड के ऊपर पड़ता है तो क्या करता है, वो कॉर्ड को इक्वल भाग में डिवाइड करता है. तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी. तो थर्ड वाला हम देखते हैं. सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओ इज परपेंडिकुलर टू डी. ओ इज परपेंडिकुलर टू डी सी. डी सी पर परपेंडिकुलर है. ओ इज परपेंडिकुलर टू डी सी. और यहाँ पर क्या लिखोगे, रीजन परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द सर्कल इट बाइसेक्ट द कॉर्ड. परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल टू द कॉर्ड आएगा, टू द कॉर्ड इट्स बाइसेक्ट द कॉर्ड. ओके, नाउ अभी आपको क्या करना है, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. सो हमें फाइंड क्या करना है, डी. सो डी क्या होगा, हाफ होगा डी सी का. डी जो है वो हाफ होगा डी सी का. तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी इज अ हाफ ऑफ डी सी. ओके, सो डी सी का वैल्यू हमें मिला है 10. सो हाफ इंटू 10. सो कैंसिल करेंगे तो 5. सो इस तरह से हमें डी भी मिल गया 5. सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन को फाइंड करना था. चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. सो यहाँ पे देखिए बाइसेक्ट का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया तो इसको सही कर लीजिए. यहाँ पे लिख दीजिए इट्स बाइसेक्ट द कॉर्ड. सो बस इस तरह से 3 कंप्लीट हो गया. चलिए सो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लेते हैं. तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ PQ इज इक्वल टू 6, आपको PQ दिया हुआ है 6. ओके, देन QR 10. नाउ PS 8. नाउ आपको फाइंड क्या करना है, PS मींस ये फाइंड करना है आपको. सो चलिए देखते हैं इसको कैसे फाइंड करेंगे आप. सो ये अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड वाला प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होगा. और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सेम हम क्या लेते थे, PS into PT
PQ into PR यही अप्लाई करते थे हम, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यही अप्लाई करेंगे, मीन्स एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो आपको क्या होना चाहिए, इसमें क्या पता होना चाहिए, इसमें PQ पता होना चाहिए और PR पता होना चाहिए, इसमें क्या पता होना चाहिए, PS पता होना चाहिए, PT पता होना चाहिए, ठीक है। सो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, PT, और यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, PR। तो सबसे पहले हमने ये दोनों दिया है तो हम ये पहले फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो ये कोलिनियर है तो हम लिख सकते हैं PR = PQ + QR। रीजन क्या देंगे, कोलिनियर PQR, ओके। तो यहाँ पर PQ आपको दिया हुआ है 6 एंड QR आपको दिया हुआ है 10, सो आपका PR कितना आ गया, 16, ठीक है। Now, अभी हम क्या करते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, TS फाइंड करना है ना। सो देखिए, TS फाइंड करना है तो हमें क्या मिलेगा, पहले PT मिलेगा, ठीक है, PT मिलेगा, फिर हम उसको क्या करेंगे, कोलिनियर से TS फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉर्ड PT एंड PR इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉर्ड TS एंड कॉर्ड RQ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। सो लिखिए, कॉर्ड TS एंड कॉर्ड RQ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल, ओके। सो अभी यहां पर देखिए, अगर आउटसाइड पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। सो यहाँ पर लिखिए दिस थियरम अप्लाई होगा, तो यहाँ पर लिखिए बाय द थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, ठीक है ना। अभी प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, तो PS into PT is equal to PQ into PR, PQ into PR, ओके। सो हमें PS पता है कितना है, 8, PT नहीं पता है, PQ पता है हमें 6, PR पता है हमें 16। Now, PT is equal to 6 into 16 divided by 8. 8 2s are 16. So, PT is equal to 12. So, इस तरह से PT आपको मिल गया 12. So, ये PT पूरा मिल गया 12. तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, TS. तो दिख रहा है आपको, PST कोलिनियर है, तो हम लिख सकते हैं PT is equal to PS plus ST. रीजन क्या आएगा, PST जो है वो कोलिनियर, ओके। अभी PT हमें मिला है, PT कितना मिला है, 12, PS हमारे पास है 8 प्लस ST, ओके। सो 12 माइनस 8 इज इक्वल टू ST, सो आपको मिलेगा ST 4, सो ST इक्वल टू 4, सो आपको ST तो फाइंड करना था, तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिखिए ST इक्वल टू 4। तो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना था। चलिए अब देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, चलिए अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। सो रीड कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इस तरह से डायग्राम देकर रखा हुआ है और क्या बोला है, सेगमेंट EF इज अ डायमीटर। सो आपका EF क्या है, डायमीटर है। सो अगर EF डायमीटर है तो HF और HE क्या होगा, रेडियस होगा, ओके। देन आपको क्या बोल रहा है, सेगमेंट DF इज अ टेंजेंट सेगमेंट, DF आपका टेंजेंट है, ओके। Then the radius of a circle is R. आपको radius of a circle क्या दिया है, R दिया, मतलब HF और HE दोनों क्या होगा, R होगा। और आपको प्रूफ क्या करना है, DE into EG is equal to 4R square. So अब ये कैसे प्रूफ होगा, ये आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दो चीज दिखाई दे रहा होगा। अगर हम इसे 90 प्रूफ कर देते हैं तो ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। Then और एक चीज दिख रहा होगा यहाँ पे, ये टेंजेंट है, ये सीकेंट है, तो यहाँ पे टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम भी अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। अब ये 90 कैसे प्रूफ होगा, तो आपको पता होगा कि डायमीटर पर अगर कोई टेंजेंट होता है तो वो क्या होता है, 90 होता है, कैसे, बाय टेंजेंट थ्योरम से, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। सो गिवन में आपको जो भी दिया हुआ है वो लिख लीजिए, क्या दिया हुआ है आपके बुक में, सेगमेंट EF इज अ डायमीटर, सेगमेंट
EF is a diameter, then DF is a tangent. DF is a tangent of a circle. Okay. Then radius of a circle. ये दिया हुआ है आपको R. Then आपको find कर क्या करना है? यहाँ पे लिखे to proof. Proof क्या करना है? आपको देख लीजिए बुक में. DE into GE. DE into GE is equal to 4R square. तो चलिए अब क्या करते हैं. सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सीकेंट है एंड ये आपका टेंजेंट है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम. तो यहाँ पर प्रूफ लिखिए, देन अप्लाई कीजिए टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट. एक काम करते हैं, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं देन रीजन बाद में लिखते हैं. तो इक्वेशन क्या आएगा आपका, डी डी एफ ये टेंजेंट है ना, सो डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी जी इंटू डी. ठीक है, यहां पे रीजन दीजिए टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट हियर. ओके, तो यहां से आपको df का स्क्वायर क्या मिल गया, dg into d. तो अभी हम जब पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, df मिलेगा कहीं पे, तो उसकी जगह पे हम वो पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं. तो इसे आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ इंट्रैंगल dfe लीजिए, इंट्रैंगल dfe. ठीक है, एंगल dfe में एंगल f कितना होगा, 90 डिग्री. एंगल f इक्वल टू 90 डिग्री, कैसे, बाय टेंजेंट थ्योरम. मैंने अभी बताया था कि अगर डायमीटर के ऊपर या रेडियस के ऊपर टेंजेंट होता है तो वो परपेंडिकुलर होता है. ओके, नाउ अब यहां पर आप बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर सकते हैं, इसको पाइथागोरस थ्योरम इसमें मीन्स अप्लाई कीजिए. ठीक है, सो यहां पर लिखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये 90 है, तो ये हाइपोटेनियस होगा. DE स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर. ओके, नाउ चलिए अभी देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं. सो यहां पे लिखिए DE स्क्वायर इज इक्वल टू DF की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, df स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, dg इनटू d. तो यहां पर लिखिए dg इनटू ge. ओके, देन प्लस अभी ef स्क्वायर है तो उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, eh प्लस hf. ओके, ये ef की जगह पे eh प्लस hf लिख सकते हैं ना, तो eh प्लस hf. ओके स्क्वायर. Now, अभी ये DE square को as it is रखिए, ठीक है, DG into GE को भी as it is रखिए. यहाँ पर EH और HF का वैल्यू R और R दिया है, तो पुट कर दीजिए R plus R square. So, आपको DE ये सब अभी as it is रखना है, DG into GE plus ये हो जाएगा आपका 2R square. Now, DE square is equal to DG into GE plus, इसको करेंगे तो 4R square आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमें 4R square मिल गया एंड D अभी GE हमें बनाना है. ठीक है, सो हम क्या करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो DE square है, अगर ये इधर आएगा तो माइनस DG into GE हो जाएगा. ठीक है, प्लस और ये इक्वल टू 4R square ही रहेगा. ठीक है, तो अब यहां से DE कॉमन लीजिए और यहां से DE कॉमन लीजिए. यहां पे देखिए कुछ रॉन्ग लिख दिया हमने, DG into DE आएगा. ठीक है, कॉमन आएगा यहां पे DE. ठीक है, हम DF की जगह DF स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, DG into DE. ठीक है, यहां पे लिख देना फ्रॉम फर्स्ट. ठीक है,
सो अब यहां से देखिए डी और डी कॉमन ले सकते हैं, सो कॉमन ले लीजिए. सो डी अगर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, एक डी माइनस डी जी, ठीक है, इज इक्वल टू फोर आर स्क्वायर. ओके, सो डी भी मिल गया. अब जी चाहिए तो जी ई चाहिए, देखिए जी ई चाहिए लेकिन हमें क्या है डी माइनस डी जी. तो अभी जी ई निकालिए, देखिए ये कोलिनियर दिख रहा है, सो देखिए डी जी ई आपका कोलिनियर है, तो आप लिख सकते हैं इसको डी ई इज इक्वल टू डी जी प्लस जी ई. हमें इसकी जगह पे क्या लाना है, जी ई, ठीक है. सो आप इसको इधर भेजिए, सो डी ई माइनस डी जी इज इक्वल टू जी ई, आया कि नहीं आया. सो अभी डी माइनस डी जी किसके इक्वल है, जी ई के इक्वल है ना. सो हमें इतना नहीं करना है, हम जी ई डायरेक्ट लिख देंगे एंड बोल देंगे वो क्या है, कोलिनियर, ठीक है. सो यहाँ पे डी ई एज इट इज रहेगा और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जी ई, ठीक है. सो जी ई लिख दीजिए इक्वल टू फोर आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, रीजन डी जी ई कोलिनियर है, ठीक है, डी जी ई आपका कोलिनियर है. सो हमें जो प्रूफ करना था वो मिल गया, तो लिख दीजिए यहाँ पे हेंस प्रूफ, ठीक है, हेंस प्रूफ. सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना था. सो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 3.5 कंप्लीट हो गया. सो प्रैक्टिस सेट 3.5 में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.